अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों से बात करूंगा पॉपअप्स के अबाउट। आपको अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए पॉपअप्स रिक्वायर्ड होते हैं, सम टाइम प्रमोशनल पॉपअप्स, जिससे आप डिफरेंट यूजर्स की ईमेल्स कलेक्ट कर सकते हैं या कोई भी मैसेज आप शो करवाने के लिए पॉपअप्स का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा ईजी वे के अंदर पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर और बिल्कुल फ्री, किसी तरह के कोई चार्जेस, कोई पेमेंट आपको नहीं करने पड़ेगी, किसी तरह का कोई पेड प्लगइन आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को ये सारा काम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास सिंपल प्लगइन्स का ऑप्शन मौजूद है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हसल। तो ये काफ़ी पॉपुलर प्लगइन है, इसको आप यूज़ करके किसी भी तरह के पॉपअप्स इन मिनट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये वाला प्लगइन है बाय WPMDev। इसको सिंपल हम इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर लेंगे और एक्टिवेट करने के बाद डेफिनेटली हमारे डैशबोर्ड के अंदर एक नया ऑप्शन विजिबल हो जाएगा जो कि हसल के नाम से होगा और यहाँ पर हम इस पूरी सेटिंग्स इस पूरे प्लगइन की कर सकेंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें कुछ इस तरह के ऑप्शंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पॉपअप्स क्रिएट करने आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, स्लाइड इन्स, इम्बेड्स, सोशल शेयरिंग और बाकी इंटीग्रेशन और बाकी सारे सेटिंग्स यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही हैं। बट हम डायरेक्टली चलते हैं किस तरह से आप लोग पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने क्लिक करना है पॉपअप्स के ऊपर और यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी पॉपअप्स बने हुए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक पॉपअप बनाया हुआ था बट मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल स्टार्ट से करके दिखा सकूँ। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो होगा फर्स्ट टाइम और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट पॉपअप। इस तरह के पॉपअप नज़र आएगा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पॉपअप को नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज ईद ऑफर, लेट्स से, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चूज़ टेम्पलेट। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि फ्री टू यूज़ हैं और इनको यूज़ करते हुए आप पॉपअप क्रिएट करेंगे और इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एक पॉपअप चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स सपोज ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और स्ट्रेट है। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। चूज़ करने से पहले इन सारे पॉपअप्स को आप यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, बट राइट नाउ मुझे ये यही टेम्पलेट चूज़ करना है। तो मैं सिंपल चूज़ टेम्पलेट पे क्लिक कर लूँगा और ये वाला हमें इसके एडिटिंग मोड के अंदर ले जाएगा। अब जो भी टेक्स्ट वगैरह है इस पॉपअप के ऊपर वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेंज कर सकेंगे इस सारे ऑप्शंस के अंदर। तो एक बारी में मैं देख लेता हूँ कि हमारा पॉपअप किस तरह से करंटली शो हो रहा है और उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्रीव्यू के अंदर और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इस तरह से हमारी वेबसाइट का प्रीव्यू शो हो जाएगा और इस तरह से हमारा ये पॉपअप शो होगा। करंटली ये वाला टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, ये टेक्स्ट चेंज करना है और ये वाली इमेज चेंज करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको वापस यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं लिख दूँगा बिग। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ भी आप हेडलाइन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें वो इमेज थी, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक अपना लोगो अपलोड किया हुआ है तो मैं इसको सिंपल इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पे टेक्स्ट है, मैं अभी इसको एज अ डमी रहने दूंगा। आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है कॉल टू एक्शन। यहाँ पे आप अपने पॉपअप के अंदर बटन्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। करंटली यहाँ पे कोई बटन ऐड नहीं है, मैं यहाँ पे एक बटन ऐड कर देता हूँ और इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे लिख देता हूँ शॉप नाउ और यहाँ पे उस URL का जो है URL दे दूंगा जिस पेज पे मैं रीडायरेक्ट करवाना चाह रहा हूँ अपने यूज़र को। राइट नाउ मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जैसे ये नॉट इंटरेस्टेड जो पॉपअप के नीचे आ रहा है, जो अगर यूज़र को कट करना चाह रहा है उस पॉपअप को तो कुछ इस तरह का टेक्स्ट वहाँ पे शो होगा। आप इसको अल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो ये हमारा पॉपअप जो है वो बन चुका है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये रेडी टू गो पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ों पे ज़रा काम कर लेता हूँ। ये वाले जो ऑप्शन है इनको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो सिंपल मैं पहली बार ईमेल के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ईमेल को एडिट करूँगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये प्लेस होल्डर्स हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनके टेक्स्ट वगैरह को, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसको हम डिफरेंट एप्लीकेशंस और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इस पॉपअप को, ताकि डायरेक्टली इसकी जो ईमेल्स हैं या जो चीज़ें भी हैं वो डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे चली जाए। अब बारी आ जाती है ज़रा अपीयरेंस की। हम यहाँ से थोड़ी सी अपीयरेंस कंट्रोल करेंगे कि हमारा जो पॉपअप है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर
किस तरह से अपेयर हो, कौन कौन सी चीज़ें हो, किस तरह से उसका लेआउट हो, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे किस तरह से नज़र आए, मोबाइल के ऊपर किस तरह से नज़र आए, वो सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप फॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं, कौन से फॉन्ट के अंदर टेक्स्ट हो हमारा, बैकग्राउंड क्या हो, कंटेनर का बैकग्राउंड क्या हो, कलर्स क्या हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इवन यहाँ पे आप इनेबल कस्टम CSS कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कस्टम CSS ऐड करनी है और डिज़ाइनिंग करनी है तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट ऑप्शंस हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है विजिबिलिटी, तो यहाँ पे आप जो है सेटअप कर सकते हैं विजिबिलिटी रूल्स। अगर ये इस यहाँ पे आप कोई भी विजिबिलिटी रूल सेटअप नहीं करेंगे तो आपका जो वेबसाइट पॉपअप है वो इंटायर वेबसाइट पे शो होगा। बट अगर आप चाह रहे हैं एक सर्टेन पेज के ऊपर, स्पेसिफिक पेज के ऊपर ही आपका पॉपअप शो हो, तो आप यहाँ से ऐड कंडीशंस कर सकते हैं और यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट या कौन सी पेज या किस टेम्पलेट या किस कैटेगरी के ऊपर ही ये पॉपअप शो होना चाहिए, राइट। तो अभी के लिए मैं कोई कंडीशन ऐड नहीं कर रहा। और यहाँ पे फाइनली हमारे पास ऑप्शन है बिहेवियर का। तो यहाँ पे देखें, ये ऑप्शन है पॉपअप ट्रिगर कि कितने सेकंड बाद जब यूज़र आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करे तो कितने सेकंड्स के बाद उसको ऑटोमेटिकली पॉपअप शो हो जाए। तो आप यहाँ पे टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि टाइम की बेस पे ना हो तो इसको ऑफ कर दें और यहाँ पे आप स्क्रॉल को ऑन कर दें। और यहाँ पे देखें, आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र है अगर वो 20% आपका पेज स्क्रॉल कर लेता है तो तब उसको पॉपअप शो होना चाहिए। इस बेस के ऊपर भी आप क्या कर सकते हैं, पॉपअप को शो करवा सकते हैं। इसी तरह क्लिक के ऊपर कि अगर सर्टेन जगह पे कहीं किसी बटन के ऊपर क्लिक कर रहा है तो तब ये पॉपअप शो होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये वाला जो ट्रिगर है वो वहाँ पे आपको शो करवाना पड़ेगा उस बटन के ऊपर। और इसी तरह पे एग्जिट इंटेंट, लेट्स से आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है और वो आपकी वेबसाइट देख रहा है, अब जैसे ही वो आपकी वेबसाइट को क्लोज़ करने लग रहा है तो फौरन ही ये पॉपअप वहाँ पे शो हो जाए। ये ऑप्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि आपके विजिटर जैसे ही आपकी वेबसाइट क्लोज़ करने लगे तो उसके सामने वो पॉपअप शो हो जाए और वो उस पॉपअप को देख के हो सकता है रुक जाए या आपकी ऑफ़र या आपको आपकी सर्विस या प्रोडक्ट परचेज़ कर ले, राइट। तो इस तरह का ऑप्शन भी हो सकता है। उसके साथ एड ब्लॉक, तो यहाँ पे योर पॉपअप विल बी ट्रिगर व्हेन एवर एड ब्लॉक इज डिटेक्टेड। जैसे अगर किसी ने एड ब्लॉकर ऐड किया हुआ है अपने ब्राउज़र के अंदर तो तब ये ओपन हो जाएगा आपका जो पॉपअप है, तो इस पेज के ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं इसको 3 सेकंड पे कर देता हूँ और उसे टाइम की बेस पे कि जब मेरी वेबसाइट पर यूज़र आए तो आफ्टर 3 सेकंड ऑटोमेटिकली पॉपअप उसके सामने शो हो जाए। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह की सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा और ऑप्शंस हैं, एनिमेशंस, बाउंस अप, मैं ये वाली एनिमेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शंस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और अब मैं चेक करता हूँ क्या वाकई 3 सेकंड के बाद जो है पॉपअप शो हो जाएगा। इसके लिए मैं इनक्यूबेटर मोड के अंदर ये वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और 3 सेकंड वेबसाइट लोड होने के 3 सेकंड बाद देखता हूँ क्या पॉपअप शो हो रहा है, नहीं हो रहा और हमारा पॉपअप काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो लोड हो चुकी है और एक्चुअल में लोड हो रही है, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें हमारा जो पॉपअप है वो ऑटोमेटिकली 3 सेकंड्स के बाद शो हो चुका है। हमारा लोगो यहाँ पे शो हो रहा है, शॉप वाला बटन शो हो रहा है, यहाँ पे ईमेल वाला शो हो रहा है, यहाँ पे लोग अपनी ईमेल ऐड करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लेट्स से एक ईमेल और यहाँ पे गेट अपडेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जो ईमेल है वो सब्सक्राइब हो चुका है, एक यूज़र एज अ यूज़र मैंने एक्ट किया इस पूरे पॉपअप के साथ। अब ये वाली ईमेल्स कहाँ पे शो होंगी, उसके लिए हमें वापस जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो पॉपअप्स हैं वो कहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे देखें टोटल कन्वर्जन्स 1, यहाँ पे ये शो करवा रहा है। मोस्ट कन्वर्जन देखें इस वाले उससे आ रही है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पॉपअप के ऊपर, सॉरी ईमेल लिस्ट के ऊपर, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉपअप है हमारा, ये वाला। और इसके अंदर देखते हैं कि कितनी ईमेल्स कलेक्ट हुई हैं। देखें ये वाली ईमेल हमने अभी कलेक्ट की थी, तो यहाँ पे इसका सारा डिटेल आ गया कि किस डेट को किस टाइम पे ये वाली ईमेल सबमिट की थी एक यूज़र ने। तो इनको आप फिर इस पूरी लिस्ट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV के अंदर। तो ये था पॉपअप, किस तरह से आप पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर और इंतहाई इजी वे के अंदर। इस प्लगइन से आप ऑलमोस्ट हर तरह के पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ साथ अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाह रहे हैं या फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हैं, कंप्लीट डिटेल्स के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, वहाँ पर जाके आप वो सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं आप लोगों को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लें, और किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है वहाँ पर आप मुझे DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।